मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि एंड्रू गारफील्ड जो है वो वापस से आ जाए स्पाइडरमैन के रोल के अंदर और सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वेनम और मॉर्बियस के साथ में हमें एक नए तरीके से एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिले। कुछ लोगों ने थोड़े दिनों पहले ट्विटर के ऊपर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को बनाने के लिए एक तरह से हैशटैग भी चलाया था और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रह चुका है। अब रिसेंट रिपोर्ट हमारे सामने ये आ रही है कि मॉर्बियस के अंदर एंड्रू गारफील्ड का एक कैमियो हो सकता है, तो आज इसी रिपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ प्रूफ देने वाला हूं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मॉर्बियस के अंदर एंड्रू गारफील्ड का कैमियो हो सकता है। Hey guys, मैं हूं सचिन निगम, and let's begin this video. सबसे पहले अगर बात करें एंड्रू गारफील्ड की ना, तो मुझे लगता है कि नो वे होम के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी कहा था और अभी भी कहूंगा कि टॉम हॉलैंड और टोबी मैग्वायर से ज्यादा अच्छी एक्टिंग अगर बात करें तो वहां पर हमने एंड्रू गारफील्ड को देखा था कि कितने मस्त एक्टिंग वो कर रहे थे। बेसिकली ऑडियंस से उनकी ये अपील की जा रही थी कि मेरी मूवी को दोबारा बनाओ और ऑडियंस इस बात को समझ गई। कुछ दिनों बाद नो वे होम के रिलीज के बाद मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का जो हैशटैग है वो ट्विटर पे चला था और काफी फैंस जो है वो इस बात के बिहाइंड है कि जो एंड्रू गारफील्ड है उनको वापस आना चाहिए हमारे इस यूनिवर्स के अंदर और सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर कोई स्पाइडरमैन होना चाहिए तो वो होना चाहिए हमारा एंड्रू गारफील्ड, एंड आई एग्री टू दैट। तो रिसेंटली आप ये बात जानते हैं कि जो मॉर्बियस है वो इस महीने रिलीज होने वाली थी और अब उसको डिले करके कर दिया गया है अप्रैल के अंदर। कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स हमारे सामने ये आ रही हैं कि मॉर्बियस के अभी रीशूट चल रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके रीशूट क्यों चल रहे हैं, देयर मस्ट ओनली बी वन रीजन और वो ये है कि उसके अंदर किसी न किसी कैरेक्टर को ऐड किया जा रहा है। मॉर्बियस मूवी ओरिजिनली 2020 के अंदर रिलीज हो रही थी अप्रैल के मंथ में और अब वो 2022 में रिलीज होगी। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं उस मूवी को बने हुए और कहीं ना कहीं सोनी वाले भी ना थोड़ा सा पक चुके हैं, लेकिन नो वे होम की सक्सेस के बाद में वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं एंड्रू गारफील्ड के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और शायद सोनी वाले एंड्रू गारफील्ड को हमारे मॉर्बियस की मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रूफ्स की बात करते हैं। हमने जो है मॉर्बियस के ट्रेलर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि यहाँ पर हमें तीनों सिनेमैटिक यूनिवर्स की झलक दिखाई गई। हमें टोबी मैग्वायर वाला सूट दिखाया गया, साथ साथ जिनका लोगो था डेली बुगल वाला वो दिखाया गया, ऑस्कॉर्प की बिल्डिंग दिखाई गई टॉसम यूनिवर्स के अंदर से और ब्लैक कैट का रेफरेंस और राइनो का रेफरेंस दिखाया गया। टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में से हमें वल्चर दिखाया गया। तो काफी ज्यादा फैंस कंफ्यूज हो गए थे इस बात को लेकर कि ये जो स्पाइडरमैन है ये किस यूनिवर्स का इसके अंदर है और कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो एक्चुअली में स्पाइडरमैन होने वाला है मॉर्बियस यूनिवर्स के अंदर वो कौन सा होने वाला है। ये बात तो ऑलरेडी पता है कि माइकल मॉर्बियस यानी मॉर्बियस जो है और वेनम जो है वो एक ही यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेलर के अंदर वो एक तरह से बोलता भी है आई एम वेनम। तो इसका मतलब है वो वेनम के बारे में तो जानता है, लेकिन वेनम किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वी हैव नो आइडिया। ऐसा हो सकता है कि टॉसम यूनिवर्स के अंदर वो दोनों एग्जिस्ट करते हो और बात के प्रूफ बहुत ज्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रूफ देना चाहूंगा, यही ऑस्कॉर्प बिल्डिंग जिसका लोगो बिल्कुल सिमिलर है और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के ऊपर जो राइनो और ब्लैक कैट की जो हेडिंग थी ना वो भी हमने टॉसम यूनिवर्स के अंदर ही देखे हैं। फेलिसिटी जोन्स ने प्ले किया था फेलिशिया हार्डी को और ऐसा हो सकता है कि जब से अब तक वो ब्लैक कैट बन चुकी हो। तो हाँ, राइनो, ऑस्कॉर्प और ब्लैक कैट, ये तीन रेफरेंस तो हमें इस ट्रेलर के अंदर यानी कि मॉर्बियस के ट्रेलर के अंदर देखने को मिले हैं। मॉर्बियस की शूटिंग के दौरान में हमें एक बस का पोस्टर देखने को मिला था जहां पर लिखा हुआ था वेयर इज स्पाइडरमैन। अब अगर नो वे होम की बात करें तो नो वे होम के अंदर इतनी तगड़ी थ्योरी, मतलब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं आप सोचोगे कि हाँ बात तो सही है बिल्कुल भी। अब नो वे होम के अंदर हमने देखा कि किस तरह से तीन स्पाइडरमैन हमें देखने को मिले। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन था, टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन था और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन था। टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो है वो बोलते हैं कि कुछ दिनों पहले जो है हम इस यूनिवर्स के अंदर आ गए, यानी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के अंदर आ गए यानी एमसीयू के अंदर आ गए। तो वहां पर बस के ऊपर जो मॉर्बियस की एक्चुअली मूवी की बस है उस बस पर ये क्यों लिखा था वेयर स्पाइडरमैन, टॉम होने वाला स्पाइडरमैन तो कहीं गया ही नहीं। तो हो सकता है इससे ये चीज प्रूव होती हो और कहीं ना कहीं सोचने का एक नजरिया हमारा बदल जाता है और कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ कोई ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि यहाँ से गायब हो गया था। तो अब पॉसिबिलिटी आती है सिर्फ और सिर्फ दो स्पाइडरमैन की, एक है टोबी मैग्वायर और एक है एंड्रू गारफील्ड, क्योंकि अगेन टॉम हॉलैंड तो कहीं गया ही नहीं था तो फिर पोस्टर क्यों लगेगा कि वेयर इज स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो है ना वहां पे, वो तो कहीं गया ही नहीं था, दूसरे यूनिवर्स में से चला गया होगा, इसलिए वो जो फोटो है वो उस यूनिवर्स की है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि ये हो एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स, टोबी मैग्वायर का यूनिवर्स भी हो सकता है आई नो, बट मुझे लगता है कि टोबी मैग्वायर को अब शायद मार्वल वाले बहुत बाद में लेकर आएंगे, लेकिन एंड्रू गारफील्ड के साथ में सोनी वाले और मार्वल वाले मिलकर कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं और मॉर्बियस के अंदर हमें इस चीज के बारे में जानकारी मिल सकती है। रिसेंट रिपोर्ट की माने तो हमें पता है कि जो मॉर्बियस है वो डिले हो चुकी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वायरस का जो नया वेरिएंट आया उसकी वजह से डिले हुई है, लेकिन सीक्रेट सोर्सेज ने ये बताया है कि मॉर्बियस के रीशूट चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो किसी कैरेक्टर को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं।
और हाँ, अब ये बात हम जानते हैं कि नो वे होम के बाद में एंड्रू गारफील्ड की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मॉर्बियस के अंदर अब एंड्रू गारफील्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन डाला जा सकता है या फिर एंड्रू गारफील्ड का एक छोटा सा कैमियो डाला जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। फॉर नाउ वी हैव नो आइडिया कि सोनी वाले और मार्वल वाले क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर दो दो स्पाइडरमैन या फिर तीन तीन स्पाइडरमैन हो जाएंगे तो जनरल ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगेगा यार कि एंड्रू गारफील्ड था, टोबी मैगवायर है, टॉम हॉलैंड है, ये चल क्या रहा है। लेकिन सोनी और मार्वल के पास डेफिनेटली कोई प्लान तो होगा, तो हाँ, इस बात के चांसेस तो हैं कि हमारे मॉर्बियस मूवी के अंदर में एंड्रू गारफील्ड का कैमियो या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, लेकिन होगा या नहीं होगा वी हैव नो आइडिया। बाकी मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।